काफी समय पहले एक छोटे से गांव में गांव का मुखिया रहता था। उस मुखिया का एक घोड़ा भी था। वो एक सुंदर सफेद घोड़ा था। उस घोड़े को उसकी आकर्षक सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो इस दुनिया का सबसे काबिल जीव है, ऐसा वो समझता था। ए, देखो मालिक आ रहे हैं। देखा नहीं, मेरे लिए सबसे खास बीन्स लेकर आ रहे हैं। ये क्या, तुम शांत क्यों बैठे हो? मुझसे बात करने के लिए नसीब लगता है। शायद तुम भी अच्छा नसीब लेकर आए हो। तुम तो शायद महान होंगे, क्योंकि मालिक तुम्हारे पीठ पर बैठकर यहाँ वहाँ जाते हैं ना, इसीलिए तुम शायद दूसरों को थोड़ा कम समझते होंगे ना मेरे दोस्त। ए, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। राजघराने का खून हूँ, इसलिए मुझसे बात करते समय इज्जत से बात करना। मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। बेटा, तुम थके तो नहीं हो ना? आज हमें कहीं बाहर जाना है। तुम फटाफट खाना खा लो, मैं तैयार होके जल्दी आता हूँ। देखा मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इज्जत देते हैं। उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। घोड़े भैया, सच है ये, वाकई में आप महान हो। मैं भी आपका आदर करती हूँ। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इस बदतमीजी का सम्मान क्यों करती हो? वो तुम्हारे जैसा ही एक जीव है। अरे, उसके पास सिंह नहीं है, मगर उसे लगता है कि है उसके पास। वो बदलना चाहिए। सुनो, तुम भी थोड़ा ले लो। घोड़े भैया, आपको पता है, लोग भी आपका बहुत आदर करते हैं। आपकी चाल, सुंदरता, भव्यता, बिल्कुल राजा जैसी। क्या आपकी शान, क्या सुंदरता। यही घोड़े के लिए बड़े गर्व की बात थी। घोड़ा मुर्गी की बातों में आ गया और उसका रवैया ही बदल गया। इसका मिजाज तो देखो, सहन नहीं हो रहा मुझसे। हाँ मुर्गी मैया, मैं इस घोड़े की बदतमीजी और अभिमानी स्वभाव से तंग आ गया हूँ। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ दूसरे घोड़े ही नहीं हैं, हालांकि हाथी भी इतने घमंडी नहीं होते। जब गांव में घोड़ा मालिक के साथ चल रहा था, वो एकदम ही सोच में पड़ गया। इसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो मेरी पीठ पर बैठकर चल रहा है? गांव वाले मुझे कितनी इज्जत देते हैं। मुर्गी की बातें बिल्कुल सच थी। घोड़े ने अपना सर ऊंचा किया और गर्व के साथ चलने लगा। मूर्ख घोड़ा अभी भी यही सोचता रहा कि गांव वाले उसी को नमस्ते कर रहे हैं। इसी तरह घोड़ा और गांव का मुखिया गांव के बाजार पहुंच गए। ओह, सभी लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं। नामचीन लोगों को यहाँ जीने में कितना मुश्किल हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ था कहाँ गया? ए, गंदे पंछी, मेरी चमकती हुई त्वचा को गंदा किए बिना यहाँ से निकल जा। आई आई भाई, तुम्हें तो कितना गुरूर है। ये बताने वाले तुम कौन हो? सर, क्या आपने सुना? हमारी जगह पर आकर हमारी पूछताछ कर रहा है। तुम तो यहाँ नए लगते हो। हम यही के वासी है। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं राज परिवार में जन्मा हुआ हूँ। मेरी पीठ पर बैठने के लिए तुम्हें कुछ खास चाहिए? हमारा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, है तो हम चार पैर वाले जानवर। तुम में भी इतना गुरूर है? तुम्हें पता है, मैं गांव से चलता हूँ तो लोग सर झुकाते हैं और मेरे लिए जगह छोड़ते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पर एक चीज कहता हूँ, ये गर्व ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चले जाओ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। गर्व करो कि तुम मुझसे मिल पाए
और मुझसे बातें कर पाए। हे हे हे, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। छोड़िए इसे और चलिए सर। सारे राहगीर उनके सामने सर झुकाते रहे और उनकी पूछताछ करते रहे। घोड़ा अपना सर हिलाकर और आवाज करके उनको जवाब भी देने लगा। यहां मेरे कितने सारे चाहने वाले हैं। मैं इस बूढ़े आदमी को पूछकर उस अहंकारी कुत्ते को घर पर मेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। समय आने दो। हाँ, जल्दी चलो। तुम मुझ पे राज करोगे अहंकारी कही के? जैसे मैं तुम्हें पीठ पर बिठा रहा हूँ ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इतना अहंकार? तुम मुझे मार रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पूरा गांव मेरे आगे सर झुकाता है। अब मेरी ताकत दिखाने का वक्त आ ही गया है। अरे बाप रे! अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? अरे बचाओ! ए, अरे, 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 अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा चहीता घोड़ा हूँ, राजघराने का खून हूँ। अरे बेचारा घोड़ा, लोग घोड़े की भाषा तो समझ नहीं पाते। गांव वालों ने सोचा कि इस घोड़े का चिल्लाना बहुत खतरनाक है, तो वो उसे मार मार कर जंगल भेज देते हैं। ये सब कुछ होने का कारण सिर्फ उसका अहंकार है, ये बात समझकर वो घोड़ा कभी गांव वापस नहीं लौटा। ये एक ऐसी कहानी है जो अतीत में घटित हुई थी। एक गांव में एक धोबी था। गांव के सभी घरों से कपड़े इकट्ठा कर उन्हें धोया करता था और उससे मिलने वाले पैसे से वो और उसकी पत्नी अपना घर चलाते थे। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। अपने पास ये गधा और घोड़ा दोनों है, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो तो है, अगर ये नहीं होते तो आपको ये कपड़े ले जाने पड़ते। घोड़ा होने की वजह से हम दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। ये तो सही कहा। घोड़ा और गधा दोनों एक ही अस्तबल में रहते थे। घोड़ा कभी गधे को अपने दोस्त के रूप में नहीं माना। तुम कैसे प्राणी हो, किसी भी तरह से सुंदर नहीं दिखते। अरे मेरी तरफ देखो, मुझ जैसे को कहता है खूबसूरत। हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं ऐसा मत कहिए भाई, वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओ अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओ ये बात है, याद रखना मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते, मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए।
मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पेट पर बहुत ज्यादा ही वजन है, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना, तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते। भाई, अब मैं गिर जाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक। अरे बाप रे, आओ, अरे बचाओ। ये भारूटा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह, बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है, इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता।